हेलो सेबूस, गुटन आवेंद, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अद्विका शांडिल्य ब्लॉग्स में। अभी बहुत ठंड है, माइनस में टेम्परेचर है, तो हमारी गुड़िया चुपचाप बैठ गई है ढेर सारे कपड़े डाल के एक्चुअली अभी मैं जो बाइक यूज़ करता हूँ वो बहुत बेसिक है, पर उसको मैं ज़बरदस्ती इतने लंबे डिस्टेंस के लिए भी यूज़ करता हूँ। मैं उसको लगभग 90 किलोमीटर तक भी खींच के ले जाता हूँ, पर आइडली वो 2, 4 या 10 किलोमीटर के अंदर चलने वाली बाइक है, पुरानी बाइक है। तो अभी हम दो नई बाइक लेने की सोचते हैं, एक मैं थोड़ा रेसिंग स्टाइल थोड़े लंबे डिस्टेंस के लिए लेने की सोचता हूँ, और इसके लिए वाइफ के लिए हम सोचते हैं कि अगर कभी ओकेजनल बाइक टूर करने हो तो वो वैसी भी हो, और साथ में जो लोकल इधर उधर जाने के लिए या गुड़िया को ले जाने के लिए स्कूल तक। अभी हम डीकैथलॉन आए हैं बाइक एक्सप्लोर करने के लिए। छोटी मैडम को भी बाइक पसंद आ रही है पुतु जी ठीक है, ले लें इसको। ए बिल्लू जी वो अच्छी नहीं है, गंदी है क्या हो पुतु, आपके तो पैरों नहीं पहुंच रहे नीचे तक। चाहिए ये बाइक इस तरह से लाइंस में लगाई गई हैं, जो ये लेफ्ट साइड में बाइक्स हैं इनसे आप जैसे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हैं और कभी कभी ओकेजनल आपको बाइक टूर करने हो तो ये जैसे 369 यूरो की हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह से ये इनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और ये लॉन्ग डिस्टेंस होती जा रही हैं। अगर आपको लंबे लंबे टूर करने हैं तो इनके टायर जो हैं वो मोटे से पतले होते जाएंगे, और जो लास्ट वाली बाइक है उसका अगर आप टायर देखो तो ये बहुत पतला होगा, बिल्कुल पतले टायर। तो इससे जैसे 100 किलोमीटर बड़े लंबे बाइक टूर कर सकते हैं, और ये एक्सपेंसिव भी होती हैं, होती जाएगी। जैसे ये 850 यूरो की है, और जो स्टार्टिंग रेंज है वो 370 यूरो के आसपास है। पूछ जी ये बोरों की चाइकिले हैं, इधर कहाँ घूम रहे आप ये बोरों की हैं, अपनी छोटी साइकिलों के उसमें जाओ स्टैंड में, इधर नहीं है आपके लिए ओ गिर जाओगे, साइड हो जाओ। बेटू चलो और पापा के पास चलो। जो ये बाइक्स हैं तो हर बाइक में दो वर्शन है, जैसे जो हमारी साइड वाला है जिसमें बार नीचे है वो फीमेल वर्शन है, इसको दामेन बोलते हैं जर्मन में, दामेन फॉर फीमेल। और जो जिसमें जो बार है वो थोड़ा स्ट्रेट है, नीचे नहीं है, तो वो जो है वो हैरन बाइक्स हैं, हैरन मीन्स मेल बाइक्स। तो अभी मैं जो टेस्ट कर रहा हूँ वो बाइक वाइफ के लिए कर रहा हूँ। ये फर्स्ट लेवल बाइक है फीचर्स और प्राइस के हिसाब से, और जो मुझे इसमें अच्छा लग रहा है वो है जो सस्पेंशन है, और जो इसकी गियर्स हैं वो बहुत स्मूथ हैं। अद्विका को हर जगह इंटरेस्ट लेना होता है, तो ये ट्रैफिक पुलिस की तरह मुझे रोक रही है, रेड और ब्लू वॉल्स को सिग्नल की तरह यूज़ कर रही है ये यहाँ अवेलेबल बाइक्स में सबसे एक्सपेंसिव बाइक है, ये 850 यूरो वाली है। इसमें बाकियों के मुकाबले ज़्यादा गियर्स हैं, इसमें 30 गियर्स हैं, जो पिछली वाली हैं बाकी उनमें 21 गियर हैं, और जो इसकी ब्रेक्स हैं वो हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स हैं, वाइल प्रीवियस वन्स वर विद द ट्रेडिशनल ब्रेक शूज़।
इसमें जो एक्स्ट्रा फीचर है वो ये ब्लॉकेबल एडजस्टेबल सस्पेंशन है। इसमें आप अपने हिसाब से सस्पेंशंस को कम या ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सस्पेंशन चाहिए या फुल सस्पेंशन चाहिए तो यहाँ से वो एडजस्ट हो जाएगा। जो फ्रंट लाइट है उसके लिए कोई एक्स्ट्रा सेल या बैटरीज की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे ही आप बाइक को चला रहे हो तो डायनमो वगैरह के साथ अपने आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर ये लाइट ऑन हो जा रही है। और ये रियर टायर हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स हैं, थोड़ा नज़दीक से हम देख सकते हैं। ये फोल्डेबल बाइक्स हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत से लोग इन्हें यूज़ करते हैं। एक्चुअली इनके टायर जो हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, पर इनको एडल्ट्स यूज़ करते हैं। जैसे इनका जो बार है, जो सीट है वो एडजस्टेबल होती है, तो उसको सारे कोई भी कर सकता है। जो इनकी खासियत ये है कि इन बाइक्स को आप देख रहे हो तो ये बिल्कुल फोल्ड हो जाती हैं, एक लगेज की तरह बन जाती है, इनको लगेज की तरह माना जाता है। जो तो ट्रेन्स के अंदर जो कर्फ्यू आवर्स होते हैं, जैसे मॉर्निंग में 2-3 घंटे, इवनिंग में 2-3 घंटे, जब दूसरी बाइक्स को आप ट्रेन्स के अंदर नहीं ले जा सकते हो, तो इन बाइक्स को आप जो यहाँ पे सबवे और सबअर्बन ट्रेन्स हैं तब भी ले जा सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट ले जा सकते हो, अगर इनके टायर्स का साइज 20 इंच से कम है और फोल्डेबल है। पुत्र तीसरा बॉल किसका है, कहाँ से लाए? पुत्र तीसरा बॉल किसका चुरा के लाए? ये किसका है बच्चों, ये किसका लाए? ये सारी माउंटेन बाइक्स हैं जो हम पहले देख रहे थे, वो सिटी के अंदर और सिटी के बाहर भी, मतलब नॉर्मल पाथ्स पर चलने वाली बाइक्स थी। ये प्रॉपर माउंटेन्स बाइक हैं जो जंगलों में माउंटेन्स पर चल सकती हैं। ये सिंगल गियर बाइक्स हैं, वैसे ये रेसिंग बाइक्स हैं पर हैं सिंगल गियर बाइक्स हैं, तो इस वजह से ये सिंगल गियर होने की वजह से ये सस्ती हैं। जैसे 220 यूरो की हैं, 230 यूरो के आसपास। जो इनकी ब्रेक्स हैं वो भी ट्रेडिशनल हैं और गियर्स भी एक है और सस्पेंशन भी कोई नहीं है। ऑल दो आप इनके साथ मतलब काफ़ी स्पीड से जा सकते हो, क्योंकि इनके टायर शेप और बॉडी वेट जो है वो रेसिंग बाइक्स की तरह है। बेटे शो क्यों गए यहाँ पे? उठो चलो, ऐसे थोड़ी सोते हैं यार, कौन सोता है ऐसे? बुतू उठो यहाँ से, तो सारे लोग हंस रहे हैं आप पे। चलो पापू हम चल रहे हैं, उठो उठो हम जा रहे हैं। अभी हमने बाइक्स को एक्सप्लोर किया है पर अभी डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये अद्विका के साथ बिजी है। तो हम नेक्स्ट वीकेंड ट्राई करेंगे डिसाइड करके कि कौन सी लेनी है। तो इसी के साथ हम आज का ब्लॉग ख़त्म कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। चूज़ जय हिंद।